बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं, इस कांग्रेस पार्टी की होगी, कार्यकर्ताओं की जीत होगी, बाद में जितनी जनता की जीत होगी, जनमन मजबूती से जनता ने खुद चुनाव लड़ा है और इस बार माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था और निश्चित तौर पर 100% कांग्रेस पार्टी की। मीटिंग वैसे ही शिष्टाचार मुलाकात थी और चुनाव के बाद में जो गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है उसको इसको लेकर विस्तृत चर्चा की और प्रशासन से यही बात की कि आपसी समझाइश करके जो भी मामले हुए हैं चुनाव के अंदर उसको चुनाव तक ही सीमित रख के आपसी समझाइश करके सारे मामलों का निस्तारण करें और सभी पक्षों को संतुष्ट करें, आपस में बैठा कर समझाइश करके सारे मामलों का निस्तारण करें, क्योंकि अपना जो मारवाड़ का भाईचारा है, धार का भाईचारा है, वो हमेशा कायम रहना चाहिए और चुनाव के बाद चुनाव तक खत्म हो जानी चाहिए। इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की। सर, जिला प्रशासन और पुलिस ने अभी पिछले दिनों सर समाज की बैठक बुलाकर शांति व्यवस्था करने का गतिविधि, तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से और आम जन? प्रयास कर रहे हैं सभी शांति बनाई रखनी चाहिए। मैं तो चुनाव प्रचार में यही बात कर रहा था कि अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए और जहाँ अपना मन करे वहाँ वोट दो, लेकिन वो वोट की बात वोट तक खत्म हो गई। अभी समस्त बाड़मेर जैसलमेर बल्होत्रा के जिले के युवाओं से, बुजुर्गों से, 36 गांव के लोगों से यही अपील करूंगा कि आपसी अपना प्रेम और भाईचारा कायम रहना चाहिए और छोटी मोटी कोई भी विवाद हो जाता है उसको आपस में मिल बैठ कर समझौते के तहत सुलझा देना चाहिए और अपना जो सदियों से जो परंपरा रही है, अपना भाईचारा रहा है, वो भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी जाने अनजाने में कोई कमेंट करता है, कोई पोस्ट लिखता है, उसको भी समझाइश करके सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए और सारे सबको द्वेष भावना से परे रहकर भाईचारे की भावना के साथ अपना बाड़मेर जैसलमेर जिला आगे कैसे बढ़े और अपना भाईचारा कायम रहे, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। यही अपील करूंगा कि सब शांति बनाए। बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं, जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, कार्यकर्ताओं की जीत होगी, बाड़मेर जैसलमेर की जनता की जीत होगी, जनमन मजबूती से जनता ने खुद चुनाव लड़ा है और इस बार माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था और निश्चित तौर पर 100% कांग्रेस पार्टी।